अगर आपको बहुत ही आसानी से ज्वार के आटे की रोटी बनानी है तो आधा कप ज्वार के आटे में एक छोटा चम्मच गेहूं का आटा, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा घी डाल के थोड़ा थोड़ा पानी लेके हम आटा लगाएंगे। मैंने यहाँ नॉर्मल वाटर लिया है, 1/4 कप से थोड़ा ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ी थी। इस तरह का जब हो जाएगा, घी वाले हाथों से हम थोड़ा मसल देंगे। अब हम डस्टिंग करेंगे गेहूं के आटे से और इसकी रोटी बेल देंगे। थोड़ी सी मैंने इसको थिक रखी है, हाथ से थोड़ा इस तरह से करेंगे तो इसका शेप भी राउंड हो जाएगा। अब तवा गरम करने को मैंने पहले ही रख दिया था लो फ्लेम पर, तो इस तरह से गरम हो गया है। थोड़ा सा घी लगा के इस तरह से दूसरी साइड से भी सेक लेंगे, उसके बाद में फ्लेम पर रख देंगे। और ये देखिए थोड़ी ये फूल भी गई है। तो इस तरह से जब हम बनाते हैं ये आसानी से बन भी जाती है और ये टेस्टी भी बहुत लगती है, पौष्टिक तो है ही। ऊपर से घी लगा के सर्व करेंगे इसे।